हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ डेकोरेटिव आइडिया अपने लिविंग रूम के लिए या फिर अपने बेडरूम में, अगर आपका टीवी आपके बेडरूम में होगा तो वहाँ पे भी आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा टीवी टेबल यूनिट है। इस टीवी टेबल यूनिट को मैंने ऑनलाइन ही खरीदी किया है। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके दोनों साइड में दो शेल्फ है, ये दो ऐसे बॉक्स हैं, उसमें हम सामान भी रख सकते हैं। और बीच में ऐसे ये दो ओपन शेल्फ दिए हुए हैं, वहाँ पे भी हम अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि चार्जर वगैरह या फिर अपना जो कुछ टीवी का वायरिंग वगैरह जो कुछ होता है वो सब वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। जिस वजह से जो ये टेबल है उसके ऊपर की जगह ऐसे खाली रहती है, टेबल के ऊपर की जगह खाली रहती है, तो वहाँ पे हम डेकोरेटिव पीस या फिर ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस टीवी टेबल को इस तरह से सजाया हुआ है। मैं अब आपको दिखाती हूँ, यहाँ से शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये है जेड जेड प्लांट। इसको मैंने 2 महीने पहले खरीदी किया था, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसे मैं हफ्ते में एक बार थोड़ा सनलाइट दिखा देती हूँ, 1-2 घंटे के लिए। देखिए इसकी पत्तियां भी कितनी शाइनिंग कर रही है, देख सकते हैं। और उसी के बाजू में ये डेकोरेटिव पीस है बर्ड्स का, उसके बाजू में ही ये मनी प्लांट का छोटा सा पॉट जो मैंने अपने एक शॉट में दिखाया हुआ है। ये मैंने डायरेक्ट कटिंग इस पॉट में लगाई हुई है मनी प्लांट की, 2-3 कटिंग लगाई थी तो इसलिए ये जल्दी जल्दी ग्रो कर गया। और देखिए कैसा हरा भरा दिख रहा है। और मैंने इसकी वाइन ग्रो हो रही थी दोस्तों, क्योंकि अभी बढ़ रहा है तो इसकी वाइन्स भी निकलती है, तो मैंने 1-2 कट की थी। तो देखिए इसकी भी, इसने एक और जगह से अपनी एक और वाइन निकलना शुरू किया था। नहीं, ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला है, उस तरफ रखा हुआ है। दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। ये देखिए, ये भी एक शोपीस है। ये बाम्बू ट्री है, ये पानी में लगाया हुआ है। ये भी, इसको भी मैंने 2 साल पहले लिया था। देखिए ये अब तक बहुत अच्छा है, हेल्दी है। मैं इसका पानी हर हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ, और जब इसका पानी मैं चेंज करती हूँ तब इसके ऊपर से भी शावरिंग, मतलब इसे हम जब अपने बेसिन में धोते हैं तो इसके जो पत्तियाँ है वो भी मैं धो लेती हूँ। इसी वजह से ये बहुत अच्छा शाइनिंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है। देखिए ये भी एक शोपीस है। ये शोपीस हम घूमने गए थे तब लाया हुआ है, अंडमान से। और देखिए ये जो मनी प्लांट है, इसकी बात कर रही थी मैं, इसकी वाइंस ग्रो कर रही थी तो मैंने इसे कट किया था। तो देखिए ये 2-3 जगह फिर से अपनी नई नई पत्तियां निकल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक है, और जल्दी समझ में नहीं आता है,
ये देखिए यहाँ पे भी एक है, आपको दिख रहा होगा, दिखते हैं, देखिए यहाँ पे एक है, एक और जगह था इसमें भी पत्तियाँ निकली थी, ये देखिए यहाँ पे भी एक नई पत्ती निकली है इसमें, यहाँ पे ये वाली नई पत्ती है इसकी, ये छोटी सी, यहाँ से भी ऐसे ग्रो होगा। और हम इसे जितना कट करते हैं ना उतना ज्यादा ही और नई नई अपनी पत्तियां निकालता है, और इसे इसको और वो जो दूसरा ऐसे इसके जैसा ही एक और है ना वो बहुत छोटा, वो दोनों मैंने साथ में ही लगाए हुए थे, दोनों 7 मंथ के हैं अभी, देखिए दोनों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसको भी मैं शॉवरिंग मतलब इसके ऊपर भी स्प्रे करती रहती हूँ, इसकी पत्तियों को भी धोती हूँ, और फिर इसके पॉट में हफ्ते में 2 बार पानी डालती हूँ, क्योंकि ये घर पे रहते तो इनको भी ऐसे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते में 2 बार भी डाले तो हो जाता है। लेकिन मैं जब भी पानी डालती हूँ तो इसके पत्तियों को भी धो लेती हूँ, इस वजह से ये बहुत शाइनिंग करते हैं। देखो अगर आप इसे इन दोनों को भी आप रखेंगे इस टीवी टेबल यूनिट पर तो भी बहुत अच्छा लुक देता है। पहले ये जो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों शोपीस, ये चारों नहीं थे, ये बाम्बू ट्री भी नहीं था पहले, और मतलब ये था लेकिन ये दूसरी जगह था, और ये 3 नहीं थे, सिर्फ ये 2 ही थे इस टेबल पर तो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा था। ये वाली भी, ये वाले प्लांट भी नहीं थी, ये तो अभी मैंने 2 महीने पहले ही लाया हुआ, ये था, इसको 2 साल हुए लेकिन ये दूसरी जगह रखती थी मैं। और ये जो है ये तो मैंने अभी लगाया हुआ है, मैंने आप इसका वीडियो निकाला है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि पानी में मनी प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं। ये देखिए इसका भी पानी में हफ्ते में 1 बार या फिर जब टाइम मिल जाता है जैसे 2-3 दिन में भी चेंज कर लेती हूँ। देखिए इसकी रूट्स भी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, हम देख सकते हैं अंदर। अगर मैं इसको ऐसे निकाल के किसी पॉट में लगा दूंगी ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, दिख रहे आपको, ये देखिए इसकी रूट्स ये वाइट वाइट, इसका पानी कम हो चुका है, इसमें पानी डालना पड़ेगा। देखिए मनी प्लांट और ये जो लकी बाम्बू ट्री है और ये ZZ प्लांट, ये इंडोर प्लांट्स ही है और ये ऑक्सीजन भी देते हैं, तो हम इसे घर में सजा के रख सकते हैं, और साथ ही साथ इस पे पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, देखिए देखने को भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने घर को इस प्लांट से ऐसे सजाइए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।